हाँ जी जहाँ बाप का जन्म होता है वह भूमि सबसे ऊंच तीर्थ है। सबसे ऊंच तीर्थ है। हाँ, ऊंच और नीचे धरणी होती है या आत्माएं ऊंच और नीचे बनती हैं? आत्माओं के आधार पर धरणी का भी ऊंच और नीचे का हिसाब हो जाता है। आत्माएं जब मनुष्य जन्म लेती हैं, तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। संबंधों में ऊंच और नीच संबंध माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं? है? माने जाते हैं। ऊंच संबंध कौन कौन माने जाते हैं? किसी परिवार में परिवार जनों का ज्यादा मान होता है या परिवार में जो बहन होती है या बेटी होती है उनको जहां ब्याहा जाता है उनको ज्यादा मान देते हैं? किसको ज्यादा मान देते हैं? परिवार वालों को ज्यादा मान देते हैं। हैं? हाँ, बहन या बेटी को जहां ब्याह देते हैं उनको पूजनीय मानते हैं। उनमें भी बहनोई की बहुत मान्यता होती है। परिवार में बहन बड़ी मानी जाती है या बेटी बड़ी मानी जाती है? है? अरे, बेटी का ज्यादा मान होता है कि बहन का ज्यादा मान होता है? है? बेटी का होता है, बहन का मान होता है। तो बहनोई का संबंध ऊंचा हो जाता है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कंपिला नगरी सब तीर्थों का भांजा है। क्या? जितने भी दुनिया में तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों का भांजा है। बहन से जो पैदाइश होती है उसको क्या कहते हैं? भांजा। तो ऊंच तीर्थ है। ऐसे बाबा कहते हैं दुनिया का ऊंचते ऊंच तीर्थ है माउंट आबू, परंतु माउंट आबू में जो पालना लेने वाले हैं आज से अंत तक वो चंद्रवंशी हैं या सूर्यवंशी हैं? है? चंद्रवंशी हैं। वो चंद्रवंशी उनकी यादगार है। शास्त्रों में राधा को चंद्रवंशी बताया है। राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी कहा जाता है। तो कौन सा वंश ऊंचा हुआ? सूर्यवंश ऊंचा हुआ, चंद्रवंश नीचा हुआ। तो सूर्यवंशी कृष्ण अथवा उसके परिवार वाले चंद्रवंशी के यहां राजा चंद्रवंशी के यहां माथा टेकने नहीं जावेंगे।
चंद्रवंशियों को अथवा चंद्रवंशी राधा को कृष्ण के यहां जाना पड़े। तो कौन सा कुल ऊंचा हुआ? सूर्यवंशी कृष्ण ऊंचा हुआ। अब वो कृष्ण भगवान कहे, शंकर भगवान कहे, राम भगवान कहे, इनकी जन्म स्थली कहां मानी जाती है? दक्षिण भारत में मानते हैं या उत्तर भारत में है? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में भी कोई स्थान है, ये सब तीर्थ स्थान माने जाते हैं। काशी नगरी शंकर का तीर्थ स्थान, अयोध्या राम का तीर्थ स्थान और मथुरा वृंदावन कृष्ण का तीर्थ स्थान, ये यादगारें स्थूल में बनी हुई है। परंतु ज्ञान मार्ग में स्थूल नहीं होता है, ज्ञान मार्ग में तो सब सूक्ष्म होता है। जहां ज्ञान का रस बनता है उसे कहते हैं वाराणसी, बनारस। कहां ज्ञान का रस बना है? माउंट आबू में बनता है या ब्राह्मणों की दुनिया में कंपिला में बनता है? ज्ञान का रस कहां बना? जैसे फलों में से रस निकालते हैं, गन्ने में से रस निकालते हैं, गौ रस दूध में से मक्खन निकालते हैं, तो मथा जाता है ना कि मथने वगैरह रस निकलता है? है मथना पड़ता है। तो ये मंथन कहां से हुआ? जो ज्ञान का रस निकला, जहां से निकलता है वही है बेहद की वाराणसी। वो ऊंचते ऊंचे तीर्थ है। इसलिए मुरली में बोला है कि भगवान बाप की जहां से प्रत्यक्षता रूपी जन्म स्थली मनाई जाती है वो स्थान ऊंचते ऊंचे तीर्थ है। अव्यक्तवाणी में भी बोला है कि अब देखेंगे कि दुनिया के कौन से कोने से भगवान की प्रत्यक्षता होती है। तो कहां से होती है? माउंट आबू से नहीं, विदेश से नहीं, दक्षिण भारत से नहीं। अरे भगवान का जन्म तो माना ही गया है उत्तर भारत, हद में उनका नाम दे दिया है, स्थान बनाए दिए हैं भक्ति मार्ग में, अयोध्या काशी नगरी। काश्य कहते हैं याद की शक्ति को। और मथुरा वृंदावन, वृंद कहते हैं
समूह को। ऐसा देवताओं का समूह वहां से निकलता है जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं। इसलिए मुरली में और किसी जिले का गायन नहीं है, नाम नहीं लिया गया। कौन से जिले का नाम लिया है? फरुखाबाद का नाम लिया है। फरुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। उनसे पूछना पड़े वो मालिक साकार है या निराकार। जो मालिक बनता है विश्व का वो निराकार है या साकार है? जरूर कहेंगे क्या, साकार ही विश्व का मालिक बनता है। और जहाँ से आदि हुई वहां से अंकुरी हो रहा, प्रत्यक्ष होने की भूमि नहीं, आवाज निकलने की भूमि कलकत्ता है, दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। और आवाज कहाँ से निकली, कहाँ से निकलती है? कलकत्ता से आवाज निकलती है। और बाबा मुरली में बोले कि इस्लामी पहले बने थे और मुसलमान तुम्हारे साथ थे। हाँ, अरे इस्लामी पहले आते हैं या मुसलमान पहले आते हैं? हैं? इस्लामी पहले आते हैं, जो जो पहले आए हैं वो ही तो पहले मरेंगे। मुसलमान हमारे साथ मरेंगे, मुसलमान पहले नहीं आए हैं। मुसलमान तो 1000 साल के बाद आते हैं, मोहम्मद से मुसलमान आते हैं। और बाबा ने बोला है पहले शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती, फिर नारायण जयंती। हाँ, ज्ञान कौन सुनाता है? है ज्ञान गीता सुनाती है या नारायण सुनाता है या कोई और सुनाता है? है नारायण ज्ञान सुनाता है, है? शिव बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं। तो जब ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान किसके द्वारा सुनाते हैं? शिव को तो बिंदी कहा जाता है, बिंदी है उनकी आत्मा का ही नाम बिंदी है। वो शरीर तो हो है ही नहीं उनका, तो कैसे ज्ञान सुनावेंगे? है कोई तन लेते हैं, जो तन लेते हैं वो तन माता है या पिता है? पिता है, है? पहले माता के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं कि पिता के रूप में? गायन भी क्या है, तुमेव माता फिर च पिता। तो शिव बाप है ज्ञान सुनाने वाला, और सुनाता किसके द्वारा? माता के द्वारा। माता है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा माता को पहले अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं। तो किसके द्वारा ज्ञान होता है? मैं कृष्ण की आत्मा हूं, ये दादा लेखराज ब्रह्मा को ज्ञान हुआ, ये स्वयं हुआ या किसी ने कराया? है? किसने? माता ने कराया। माता ही बच्चे को उसका परिचय देती है। तो यज्ञ के आदि में दो माताएं थी,
एक बड़ी माता एक छोटी माता। जो बड़ी माता है वो जगदम्बा कही जाती है, सारे जगत की अम्बा, बड़ी अम्बा। और दूसरी है भारत माता, वो छोटी माता है। छोटी माता और बड़ी माता दोनों को टैली किया जाए तो ज्यादा पवित्रता की पावर किस में होती है? छोटी माता में जास्ती होती है। तो पवित्रता की पावर से वो कृष्ण बच्चे को जन्म देती है। यज्ञ के आदि में उस छोटी माता के द्वारा ब्रह्मा को पता चला कि मैं सृष्टि के आदि में कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाला हूं, मैं कृष्ण की आत्मा हूं। इसलिए वो छोटी माता ही गीता माता है। तो पहले शिव और बाद में कौन? गीता माता। वो गीता माता ही ब्रह्मा सो क्या बनती है? ब्रह्मा सो पहले नंबर का वैष्णवी देवी विष्णु। तो तीनों नंबर वाले हैं। और मुझे मेरे बाबा ने बोला है कि इन क्रिश्चियनों द्वारा ही तुम्हें वर्षा मिलेगा है? इन क्रिश्चियन द्वारा वर्षा मिलेगा हाँ। लेकिन वर्षा तो हमको शिव बाबा द्वारा मिलना है ना। कौन सा वर्षा तुमको मिलता है वो वर्षा बताओ पहले। ज्ञान रत्नों का वर्षा, ज्ञान रत्नों का वर्षा शिव देते हैं या शिव बाबा देते हैं या शिव बाबा से भी पहले ब्रह्मा के तन में शिव देते हैं? हैं? शिव बाबा ब्रह्मा के तन में जो ब्रह्म वाक्य सुनाए, वेदवाणी सुनाई, वो किसके द्वारा सुनाई गई है? सुनाई। तो जो शिव बाबा कहा जाता है वो शिव बाबा भी मनन चिंतन मंथन करता है या नहीं करता है? है? करता है। किस बात का? वो कहां से आया वो ज्ञान जिसके ऊपर मनन चिंतन मंथन करता है? आया ना, आया ना, यही कारण है। और एक माया आपकी मुझे सुनती है, बाबा की मुझे सुनती है, एक आप माया बाबा की मुझे सुनती है पर सही से उठ बैठ नहीं सकती है, तो बाबा को मुक्ति कैसे करूंगी? उठ बैठ नहीं सकती है हाँ। अमरनाथ की यात्रा में 80 वर्ष की बुढ़ियाएं अमरनाथ की यात्रा में पैदल चली जाती हैं कि नहीं? उसको पालने वाले कोई है नहीं घर में है या नहीं है? है तो वो उसको ले नहीं जा सकते है? हाँ, बहानेबाजी दुनिया भर की। बाबा अभी बतलाया था कपिल नगर सबसे ऊंचा तीर्थ है और वह भांजा है, भांजा है तो बहन कौन है? द्रौपदी का नाम सुना है और द्रुपद का नाम सुना है?
इनका सही नाम क्या है? ध्रुवपदी से बिगड़ के बुना है द्रौपदी। जिसका ध्रुव पद है, जिसका पद निश्चित है, उस पद को कोई हिलाए नहीं सकता। कोई कितनी भी ग्लानी करे ब्रह्मा की, लेकिन उसके पद को कोई नीचा नहीं कर सकता। तो वो रुद्रमाला का मणका है या नहीं? द्रौपदी जो जगदम्बा का पार्ट है, वो रुद्रमाला का मणका है या नहीं? फिर उसका कोई भाई है कि नहीं है? द्रौपदी का कोई भाई होता है कि नहीं? होता है ना। दोनों काहे से उत्पन्न होते हैं? है, यज्ञ कुंड से उत्पन्न। वो यज्ञ कुंड आग का होता है, मिट्टी का होता है, पत्थर का होता है, कि ज्ञान का यज्ञ कुंड है? ज्ञान के यज्ञ कुंड से पैदा होते हैं। और अहिल्या नारी को पत्थर किसने बनाया? है? बनाया। ये अहिल्या को पत्थर क्यों बनाया? पत्थर उल्टे काम करेंगी तो पत्थर नहीं बनेगी। पत्थर बुद्धि के काम करेंगी तो पत्थर बनेगी। पारस बुद्धि का काम करेगी तो पारस बनेगी। और बाबा ने बोले में बोला है कि कन्याओं का बाप निराकार है। कन्याओं का बाप निराकार है? कन्याएं साकार हैं कि निराकार हैं? है? कन्याएं साकार हैं। और साकार का जन्म किससे होता है? साकार का जन्म साकार से होता है या निराकार से होता है? है? तो तुमने कहां से कह दिया? मुरला में कह दिया। और मुरला इनसे पूछना, जयपुर वाले सब, और कौन सी मुरली ढूंढ के लाओ। आप वो मैसूर की मुरली ढूंढ के ला के दिखाना। बाबा है? मुरली में बताया कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, और विष्णु पुराण में बताया कि विष्णु के मुख से वेद निकलते थे, दिखाए थे, इसका अर्थ क्या है? पहला ब्रह्मा कौन है? विष्णु के चार भुजाएं दिखाई जाती हैं, और पांचवा उन भुजाओं को चलाने वाला। ये पांच आत्माएं ब्रह्मा के पंच मुख कहे जाते हैं। पांच मुख हैं जो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। उनमें पहला पहला विष्णु कौन है? वैष्णो देवी का पद किसको मिलता है? है? छोटी मां को मिलता है, तो ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा बने बगैर विष्णु बन जाती है, ब्रह्मा है। और आपने देखा था, कहते हैं सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। अब फिर दुर्गति पानी है, है? तो सुनी सुनाई बातें क्यों सुनती है? जो तुमने देखा ही नहीं वो बातें क्यों भरी सभा में बोल रही है? और बाबा के शरीर में कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा और शिव बाबा का पाठ चल रहा है, इसलिए हम अलग अलग कैसे पहचाने? शिव का मुख्य धंधा क्या है? शिव का मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान सुनाना। तो पहचान नहीं होती है कि ज्ञान सुनाने वाली कौन सी आत्मा है?
पहचान नहीं पड़ती, पड़ती है। चलो एक की तो पहचान हो गई है। अब दूसरी आत्मा राम की, तो जो राम की आत्मा है उसका नाम काम के आधार पर पड़ता है या बिना काम के नाम पड़ गया? क्या काम करती है जो राम नाम पड़ा है? नहीं, रमण करने को राम नहीं कहा जाता है। नहीं, रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम। योगी लोग जो योग लगाने वाले हैं वो जिसमें रमण करते हैं, याद में रमण करने वाले कितने हैं? सारी दुनिया भगवान को याद करेगी अंत में, या कोई याद करेंगे कोई नहीं करेंगे? है, सारी दुनिया याद करेगी। तो सारी दुनिया शिव ज्योति बिंदु आत्माओं के बाप को याद करेगी, या आत्माओं का बाप शिव जिसमें प्रवेश करेगा उसको याद करेगी? है, आत्माओं के बाप शिव को, बिंदु को सब याद कर लेंगे। तुम कितनी देर याद कर लेते हो? निराकार को याद करना कठिन होता है, उसको सिर्फ धर्म पिताएं ही अच्छी तरह याद कर पाते हैं, नंबर वन। और साकार को याद करना सहज होता है, इसलिए हमको बताया है कि साकार में निराकार को याद करना है। जो साकार में निराकार को याद करते हैं वो जल्दी चरित्रवान बनते हैं, सहज हो जाता है उनको। और जो सिर्फ निराकार को याद करते हैं उनको बहुत कठिनाई होती है। उस संस्कृत वाली गीता में भी कहा है, क्लेशो अधिकतरस्ते साम अव्यक्त आसक्त चेत साम। जो अव्यक्त आंखों से दिखाई नहीं पड़ता उसको कहते हैं अव्यक्त। बिंदी आंखों से दिखाई पड़ती है? है, नहीं दिखाई पड़ती। तो जो अव्यक्त भगवान के रूप में बिंदु रूप में आसक्त होते हैं उनको याद करने में बहुत कठिनाई होती है। फिर सहज किनको होता है? सहज राजयोग, सहज ज्ञान किनके लिए बोला गया है? जो साकार में निराकार को पहचान लेते हैं उनके लिए सहज हो जाता है। समाधान हुआ? हाँ जी बाबा, बाबा ने बोला है अगर हमें कोई भी कुछ चीज भावना से अर्पण करता है, कर देता है, तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए, यानी उसका पुरस्कार नहीं करना चाहिए। तो फिर बाबा ने बोला है जो कुछ लेना है वो बाप से लो। बाप भावना से देता है? कोई भावना से देता है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई भावना से विकार देने आ जाए तो स्वीकार कर लेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, दूसरी बात पूछो। बाबा बाबा दृष्टि देते हैं उस बच्चे की पूरी हिस्ट्री जान जाते हैं क्या? है? बच्चा किस तरह का, इस समय बाबा दृष्टि देते हैं? जो बात आप बोलते हैं वो अनुमान से बोलते हैं या निश्चयात्मक बुद्धि से बोलते हैं? है? हम तो फिर वही है। और बाबा ने मुरली में क्या कहा है? बाबा ने मुरली में कहा है कि बाबा अंतर्यामी है,
या बहिर्यामी है? शिव बाबा अंतर्यामी है या नहीं है? हैं? शिव बाबा अंतर्यामी है, ऐसे मुरली में बोला है? शिव अंतर्यामी है। शिव बाप, आत्माओं का बाप अंतर्यामी है, जो अव्यक्त है सदैव, इन आंखों से देखने में नहीं आता है, वो अंतर्यामी है। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो अंतर्यामी नहीं है, इसलिए उसको पोता मिल दिया जाता है। अगर अंतर्यामी हो तो पोता मिल देने की जरूरत है? है, है? नहीं है। और ब्रह्मा मुख वंशावली घोर अंधेरे में थे, ब्राह्मण परिवार में ये सब कुछ कब और कैसे हुआ तथा बेहद में इसका क्या? अंधेरे में जब सूर्य होता है तब होते हैं, या जब सूर्य नहीं होता है सामने तब होते हैं? नहीं होता है। अभी सूर्य है या नहीं है? अभी सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य है। अगर है तो फिर कोई टूटना चाहिए ज्ञान में से कि नहीं टूटना चाहिए? अगर है सूर्य, दिन हो सूर्य निकला हुआ है, उस समय कहेंगे अज्ञान का अंधा है? नहीं कहेंगे। तो अभी जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं, घड़ी 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 निश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि, अनिश्चय बुद्धि, इससे क्या साबित होता है कि सूर्य उदय हुआ है या नहीं हुआ है? शिव जयंती आई या नहीं आई? और शिव जयंती मनाई जाती है ब्रह्मा कुमारियों में। दुनिया वाले क्या मनाते हैं? महाशिवरात्रि। अभी महाशिवरात्रि आई है, घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि आई है, ऐसे कहें? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि होती है तो किसी को सूर्य दिखाई पड़ता है? हैं? नहीं दिखाई पड़ता है। तो अभी वो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि आई है या नहीं आई है? क्या कहेंगे? आई है, महाशिवरात्रि आ गई। अभी तो कहते हैं हम निश्चय बुद्धि, हमें भगवान दिखाई पड़ता है, ज्ञान सूर्य आया हुआ है, ज्ञान सूर्य तो आया हुआ है, तो रोशनी सूर्य की दिखाई नहीं पड़ेगी? कभी दिखाई पड़े कभी न दिखाई पड़े, ऐसा होगा क्या? है, ज्ञान सूर्य उदय होगा तो सारी दुनिया कहेगी कि बाप हमारा आ गया, या कोई कहेगा कि आया नहीं आया? है, बच्चा घर में पैदा होता है, जन्म लेता है, तो मोहल्ला पड़ोस गांव वाले दुनिया वाले सब कहते हैं कि बच्चा आ गया या नहीं आया? आ गया। ऐसे ही भगवान अगर जन्म ले लिया, जन्म तो कोई तन के द्वारा ही होता है, तो कोई तन के द्वारा भगवान ने जन्म ले लिया तो सब कहेंगे आ गया या नहीं आ गया? आ गया। यही अव्यक्तवाणी में बोला है, क्या सबके मुख से निकलेगा कि मेरा बाप आ गया? ऐसे नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाप आ गया। जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। तो ऐसा
ज्ञान सूर्य उदय हुआ है? है? नहीं हुआ है, अभी अज्ञान अंधेरा है। अनिश्चय बुद्धि घड़ी घड़ी बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं तो अंधेरा है। अगर अनिश्चय बुद्धि कभी नहीं बनते, सदाकाल निश्चय बुद्धि है, तो सदाकाल जिंदा है या मरे हुए हैं? है? जिंदा है। तो जिंदा को अमर कहा जाता है, जो कभी मरता नहीं। ऐसे निश्चय बुद्धि में अमर देवता बने हैं? बने हैं? नहीं बने हैं। घड़ी घड़ी भूत प्रवेश करते रहते हैं, वो भूत प्रवेश करके अनिश्चय बुद्धि बनाते रहते हैं। पता नहीं इसमें भगवान आया है कि शैतान आया है, आया है कि नहीं आया है, कुछ पता ही नहीं चलता। आज आया है, कल कल गायब हो जाता। लेकिन भगवान तो आता ही है घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में, तो वो घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि 76 में हुई थी या अब होने वाली है? अब होने वाली है, जब माया फाइनल पेपर लेगी। फाइनल पेपर में नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? है? माला बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तैयार हो गए? उस तो ऐसे रहे जैसे हम तैयार हुए पड़े। तैयारी करेंगे? तैयार करेंगे, इसलिए पूछ रहे हैं कि कब होगा फाइनल पेपर, कब होगा? 6 साल बाद होगा, तो अभी बता दें कि 6 साल बाद फाइनल पेपर होगा, तब तक आराम से अमृत वेला सो लें। 6 साल 5 साल 5.5 साल के बाद हम जग जाएंगे, अभी तो चैन की नींद सो लें, इसलिए पूछ रहे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। काहे के लिए पूछ रहे? ताकि मालूम पड़ जाएगा। तो मालूम पड़ जाएगा तो क्या करोगे? अभी तक क्या किया? पुरुषार्थ करेंगे। तब पुरुषार्थ करेंगे। और बाबा ने क्या बोला? डेट निश्चित होती है, है? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, है? अरे भगवान आया हुआ है, भगवान के जमाने में चैन की नींद नहीं सोएंगे तो कब सोएंगे? अभी तो चैन की नींद सो ले। और झील का पानी पवित्र होता है? झील का पानी अपवित्र भी हो सकता है, पवित्र भी हो सकता है। पहाड़ों की बहुत ऊंचाई पर जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, वहां अगर कोई झील है पानी की, तो जरूर पवित्र होगा। जैसे मानसरोवर झील कैलाश पर्वत पर है, तो पानी पारदर्शी होता है या उसमें मिट्टी मिली हुई होती है? पारदर्शी होता है। और बाबा बुल्ले में बोले हैं कि ये कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी का जाल कहा जाता है, इसका भेद क्या? ये कुटुंब आदि के जाल को मकड़ी का जाल कहा जाता है। काई के जाल को?
कुटुम्बों को कहा मकड़ी का जाल कहा जाता है, कौन से कुटुम्बों को है, कौन से कुटुम्बों को मकड़ी का जाल कहा जाता है? देवताओं का कुटुम्ब मकड़ी का जाल कहा जाता है। जो देवताएं अमर होते हैं, कभी मरते नहीं है, अनिश्चय बुद्धि की मौत में कभी नहीं मरते हैं, उन अमर देवताओं का कुटुंब मकड़ी का जाल होता है। या पुरानी दुनिया के कुटुंबों का जाल मकड़ी का जाल कहा जाता है? पुरानी दुनिया में जो कुटुंब हैं वो सब मकड़ी के जाल हैं, माया के सब पुंगरे हैं, जिन्हें माया हिलाती डुलाती रहती है, है? है अज्ञान की नींद में जब जगी तो जब सवेरे है, जब जग जानी तब सवेरा हो जाएगा। और जब कुत्ता रोता है तो मृत्यु हो जाती है। दुनिया में कोई सेकंड ऐसा है जब दुनिया में कोई की मृत्यु ना होती हो? ऐसा कोई सेकंड होता है? और दुनिया में कोई सेकंड ऐसा होता है आज की दुनिया में जो कोई का जन्म ना होता हो? हैं? जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है। तो कुत्ते के रोने का टाइम क्या है? सुबह सुबह मानते हैं। किसी का मरना अशुभ होता है, है? कि ड्रामा प्लान अनुसार होता है? ड्रामा अशुभ है या शुभ है? ड्रामा कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? तो जब कल्याणकारी ड्रामा है तो अशुभ कैसे कह दिया? ये सब सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारतवासी चलते हैं खास, इसलिए भारतवासियों का पतन होता है। और अभी ज्ञान में चलने के बाद कहते हैं हमको भगवान मिल गया है, तो भी सुनी सुनाई बातों को बुद्धि में रमण करते रहते हैं। तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर अभी भी चलते रहेंगे तो गड्ढे में जाएंगे या परमधाम जाएंगे? बुद्धि गड्ढे में जाती रहेगी। जब माया बिल्ली ब्राह्मणों की दुनिया में रोती है कि हाय मैं तो फेल हो गई, तो बिल्ली को इस दुनिया से भगा दिया या रखा रहने दिया? भगा दिया ना बाबा। है बोले हैं कि हॉस्टल रेप को छोड़ के बाकी सब सजा खाते हैं, तो ये जो ब्रह्मा बाबा है वो सजा खाते हैं कि धर्मराज? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा अकेले हैं या कोई के साथ हैं? वो तो रामवाली आत्मा के तन में अभी पाठ बजाते हैं। हाँ, रामवाली आत्मा के तन में पाठ सदैव बजाते हैं या कभी कभी बजाते हैं, कभी कभी गुलजार दादी में बजाते हैं? है जब दीदी में होते तब रामवाली आत्मा में पाठ बजाते हैं। हाँ, और जब देवान में होते हैं तब गुलजार दादी में आ जाते हैं। तो जब गुलजार दादी में देवान में आते हैं तो पाप बनेगा या नहीं बनेगा? और उनके फॉलोअर्स से भी पाप बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो सजाएं खाएंगे कि नहीं?
सूर्यवंशी सजाएं ज्यादा खाते हैं या चंद्रवंशी सजाएं ज्यादा खाते हैं? है? कौन खाते हैं ज्यादा सजाएं? दोनों में टैली करो। चंद्रवंशी ज्यादा सजाएं खाते हैं। सूर्य में धब्बा होता है या चंद्रमा में धब्बा होता है? चंद्रमा में धब्बा होता है, सूर्य में कोई धब्बा नहीं हो सकता। और बाबा मुरली, बाबा ने मुरली में नहीं, बाबा मुरली में आया है, मुख्य है शिव बाबा है, मुख्य है शिव बाबा है। फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल, फिर बाबा ने यह भी बोला है ब्रह्मा सरस्वती को युगल थोड़ी नहीं कहेंगे, सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, युगल थोड़े ही है। हाँ है? तो हम कहाँ कह रहे कि मुरली में नहीं बोला? अब तुमको क्या पूछना है? है? ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, ओम राधे। वो बेटा है, वो बेटी है, तो बताओ किसका बेटा है और किसकी बेटी है? अरे ब्रह्मा की सोल जब नई सृष्टि शुरू होगी तो नई सृष्टि में पहला पत्ता बनेगा या नहीं बनेगा? वो जो पहला पत्ता बनेगा वो किसी का बेटा होगा या कि नहीं होगा? होगा। फिर दूसरा पत्ता कौन होगा? राधा। तो वो कोई की बेटी होगी कि नहीं होगी? है? होगी। ये बेटा बेटी बनने की शूटिंग कहाँ होती है, कब हुई? है? यज्ञ के आदि में हुई। कैसे? हाँ, कोई माता है जिस माता के बुद्ध रूपी पेट में प्रजापिता ने ज्ञान का बीज डाला, उस बीज से पहले कृष्ण बच्चा पैदा होता है निश्चय बुद्धि बन के कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, और फिर उस पत्ते में से कौन सा पत्ता निकलता है? राधा रूपी पत्ता निकलता है। तो वो उसकी बेटी हुई। और बाबा मुरली में बोले हैं कि तुम बच्चे फिकर क्यों करते हो, वेट एंड सी, इंतजार करो और देखते रहो। बाबा किसका इंतजार करो और क्या देखते हैं? बाबा इंतजार करने के लिए बोलते हैं या इंतजाम करने के लिए बोलते हैं? ये कह रहे इंतजार करने के लिए बोलते हैं। है? बाबा इंतजार करने के लिए बोलते हैं या इंतजाम करने के लिए बोलते हैं? बाबा तो कहते हैं इंतजाम करो, इंतजार मत करो। और बाबा अभी देवताओं के जन्म तो बताया है, सब देवताओं के जन्म तो बताया है, लेकिन इनके शरीर का ये किसी ने नहीं बताया है। वो शरीर छूटते हैं या अपनी स्वेच्छा से शरीर जब चाहे तब छोड़ते हैं? तो जब स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं तो उनकी मृत्यु कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? हाँ, इच्छा मृत्यु को मृत्यु नहीं कहेंगे, इसलिए इनका कहीं भी मृत्यु का गायन नहीं है, वो अमर हैं। और बोलो बोलो बोलो, टाइम थोड़ा रह गया। बाबा भक्ति मार्ग में गणेश जी के सिर पर मोर की पंख बताई गई है। गणेश जी के हैं? हाँ,
गणेश जी के क्या, गणेश जी को मोर पंख कहाँ बताए, नाक के ऊपर कान के ऊपर है, सिर के ऊपर। अब गणेश का पार्ट किसका है, है? तो ब्रह्मा की आत्मा जो सतयुग के आदि में पहला पत्ता बनती है तो पवित्र होती है सोलह कला संपूर्ण या नहीं होती है? 500 करोड़ पत्तों के मुकाबले सबसे जास्ती पवित्र पत्ता कौन सा होता है? कृष्ण बच्चा। तो भक्ति मार्ग में उसके सर पर मोर का पंख दिखाते हैं ना, और जो मोर का पंख दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कृष्ण के सर के ऊपर, वो कौन से युग की यादगार है? हाँ, संगम युग में ब्रह्मा की सोल कोई तन में प्रवेश हो करके सबसे पहले पवित्र बनती है। बाप बच्चों को आगे बढ़ाते हैं या खुद आगे बढ़ जाते हैं? उंगली पकड़ करके बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और खुद पीछे पीछे चलते हैं। तो यहां भी मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता, वो खुद पवित्र बन करके पहले परम धाम में चला जाएगा या पहले बच्चे को भेजेगा? तो बच्चा पहले पवित्र बनता है। कौन सा बच्चा है? कृष्ण बच्चा। वो ही बच्चा जब द्वापर युग में आता है तो द्वापर युग में आते आते वो कृष्ण बच्चे की आत्मा पहले देवान में आएगी या बाप की आत्मा पहले देवान में आएगी? बाप की आएगी। ज्यादा योग किसने लगाया है? बाप ने ज्यादा योग लगाया है, ज्यादा बैटरी भरी है तो पहले खाली हो जाएगी या बाद में खाली होगी? बाद में खाली होगी। बच्चा पहले नीचे गिरता है, देवहन में आता है, इसलिए वो श्री गणेश आय नमः कर दिया, सूंड लटका दी देह अभिमानी की। इसलिए गणेश को क्या दिखाते हैं? देह अभिमानी की सूंड भी दिखाते हैं और फिर पवित्रता का ताज भी दिखाते हैं। और हम कहां कहते हैं कि शंकर पार्वती का गणेश बेटा नहीं है? लेकिन वो छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है? छोटा है कि बड़ा? अरे बताओ, अरे गणेश छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है? कार्तिकेय बड़ा बेटा है और गणेश छोटा बेटा है। कार्तिकेय की पूजा दक्षिण भारत में होती है और गणेश की पूजा उत्तर भारत में होती है। कार्तिकेय को छह मुख दिखाते हैं। छह मुख का मतलब है छह धर्मों की बढ़ाई करता है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन। मुस्लिम सन्यासी सिख छह धर्म भगवान को मानने वाले हैं, छह धर्म की बढ़ाई करता है तो छह मुंह से बोलने वाला है। तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक की तरह सन्यासी है या लक्ष्मी नारायण की तरह गृहस्थी है? क्या है? सन्यासी है। जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह हैं, उनकी मान्यता विदेशों में ज्यादा होती है या भारत में ज्यादा मान्यता है?
और दक्षिण भारत है भारत का विदेश। तो विदेश में सुब्रह्मण्यम स्वामी की ज्यादा मान्यता है, वो विदेशी है, अम्मा बाप को फॉलो नहीं करता, अम्मा बाप गृहस्थी होकर के रहते हैं, और वो बच्चा गृहस्थी बन के रहता है कि सन्यासी हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। तो उसको फॉलो करने वाले तो बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है? बड़ा, बड़े असुर होते हैं या देवताएं बड़े होते हैं? है? असुर बड़े होते हैं, दिति से पहले दैत्य पैदा हुए और अदिति से अद्वैत देवताएं पैदा हुए बाद में। तो ये कथाएं दिखाई गई हैं कि असुर पहले पैदा होते हैं और देवता बाद में पैदा होते हैं, इसलिए छोटे हैं। गणेश छोटा है और कार्तिकेय बड़ा, दो प्रकार के बच्चे हैं भगवान के। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान है या शिव शंकर भोले नाथ तो भगवान है? साकार रूप में भगवान तो शिव शंकर भोले नाथ ही है। उस भगवान के दो प्रकार के बच्चे हैं, एक असुर और एक देवता। मुनि ने बोला कि भारतीय चित्र में ना मुनि ने बताया है कि राम वाली आत्मा को मना जो ज्ञान गया तीन गति की आत्मा में नहीं तो वो को मना भारत को जितनी गति सबसे ज्यादा छी छी धर्म दुनिया का कौन सा है? है? भारत में मुसलमान ज्यादा छी छी या जो देवता से हिंदू बने वो ज्यादा छी छी है? कौन ज्यादा छी छी बनते हैं? देवताएं ज्यादा छी छी बनते हैं है? मुसलमान जास्ती छी छी बनते हैं और राम वाली आत्मा हर धर्म के संग के रंग में आती है, हर धर्म की राजाई स्थापन करती है। तो सब बच्चों की पालना करने वाली है या कोई एक की पालना करती है? तो जो सबसे नीचा धर्म है, नीचे गिरने वाला है, नीच कर्म करने वाला है, उसमें जाकर के अंतिम जन्म में उसको ज्ञान मिलता है। वो मुस्लिम आत्मा जो मुसलमान धर्म की आधार मूर्त है उससे ही उसको बेसिक ज्ञान मिलता है। इसलिए झाड़ के चित्र में दिखाया जहां मुस्लिम धर्म की डाली है वहां पर राम की आत्मा खड़ी हुई है झाड़ के चित्र में। और मोर भक्ति है तो पैरों पर देखकर तो मोर नाचता है तो पैरों पर बैठकर होता है। जो सर होता है वो सतयुग होता है और पांव कलयुग होता है। क्या? जो मोर है उसका पांव नीचे है, टेढ़ा टेढ़ा पड़ता है, तो टेढ़े टेढ़े पांव देख करके रोता है। प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। उस आत्मा का पार्ट ही ऐसा है कि नीचे ते नीचे और फिर
बाप मिलने के बाद ऊंचते ऊंच बन जाता है। और भगवान की प्रत्यक्षता के बाद ही मानता हूँ चले जाएंगे। बाप प्रत्यक्ष होगा तो स्थापना पहले होगी, तब प्रत्यक्ष होगा कि बिना स्थापना के प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो सृष्टि का बाप है उस बाप के लिए गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, वो सारे जगत का पिता है। तो जो पिता है विनाश के टाइम पर प्रत्यक्ष होगा, और जब विनाश होगा तो उससे पहले स्थापना होगी या नहीं होगी? है? अरे विनाश पहले होता है या स्थापना पहले होती है? है? पहले राजधानी स्थापन होगी, फिर बाप प्रत्यक्ष होगा। गोपों के द्वारा होता है विनाश, और कन्याओं माताओं के द्वारा होती है स्थापना। गोपों का मुखिया कौन है? शंकर। और कन्याओं माताओं की मुखिया कौन है? जगदम्बा के हाथ में राजाई नहीं होती है, राजाई किसके हाथ में होती है? घर कौन संभालता है? दादी अम्मा संभालती है या अम्मा संभालती है? अम्मा संभालती है। तो दो माताएं हैं मुख्य, एक भारत माता और एक जगत माता, और उनकी सेना भी है। वो सब सेना मिलकर के स्थापना का काम पूरा करते हैं। जब स्थापना पूरी होती है तब विनाश शुरू होता है। किसके द्वारा? मीडिया कौन बनता है? है? किसके द्वारा विनाश? शंकर द्वारा विनाश। आया समझ में? और ओम शांति।